फ्रेंड्स यूट्यूब पे आपने डेरी मिल्क की रेसिपी देखी और बार बार ट्राई करके आप फेल हो जाते हैं, तो डोंट वेरी, मैं लेके आई हूँ एक परफेक्ट डेरी मिल्क की रेसिपी। फ्लेवर यकीन मानो वैसे ही होंगे, तो रेसिपी एंड तक ज़रूर देखना। और परफेक्ट कैसे बना सकते हैं, थोड़ा सा हमने इनोवेशन किया है डस्ट के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। फ्रेंड मैं आपको एक टिप्स दूंगी, यहाँ पे ये जो आप मेरा मॉल देख रहे हो ना, ये बहुत पुराना है, इसमें मैंने कम से कम 50 से 60 बार बनाई है, यकीन नहीं आता तो आप मेरे फेसबुक लाइव पे जाके देखिए इसे कैसे क्लीन करते हैं, मैं इसका लिंक देने वाली हूँ डिस्क्रिप्शन में। स्टार्ट करते हैं बनाना आज की डेरी मिल्क परफेक्ट रेसिपी। चलिए फ्रेंड्स इस रेसिपी में हम सीखेंगे मार्केट स्टाइल डेरी मिल्क, जो हम कम पैसों में बना सकते हैं और मार्केट से कम हम सेल कर सकते हैं। तो ये लास्ट तक देखना, ओके। इसकी जो कॉस्टिंग है वो भी हम बताएंगे। सबसे पहले जब आप डेरी मिल्क बनाते हो तो आपको जो है डार्क जो कंपाउंड्स होता है वो आपको थोड़ा ही लगता है, लाइक आप कैसे भी इसका मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये 1 टेबल स्पून लिया, ओके, ये मैंने 1 टेबल स्पून लिया। जितना मैंने डार्क लिया उससे हाफ मुझे लेना है मिल्क, ओके, उससे हाफ मेरे को लेना है वाइट, ओके। तो हमें क्या लेना, उससे हाफ जो है वो वाइट लेना है। वाइट लेने के बाद में हमें ये जैसे हमने 1 दिया तो ऐसे 5 गुना यानी कि 5 टेबल स्पून जितना हम ये डालते जाएंगे, 1, 2, 3 × 4, ये अपना पूरा 5 ही हो जाएगा। तो ये मैं सारा ले लेती हूँ, ओके। तो जब आप मैरी मिल्क बना रहे हो, डेरी मिल्क बना रहे हो, तो आपको जो है मिल्क चॉकलेट ज़्यादा लगता है, ओके। ये हमारा हो गया। अब आपको क्या करना है, इनको करना है अच्छे से मिक्स, ओके ओके। आप देख सकते हैं इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है, एंड ये जो हमने चेंज किया है अच्छे से करना है, इसमें कोई फ्लेवर नहीं होता, ये बहुत ही अच्छा दिखता है। एंड अब हम ये जो है इसके अंदर मिक्स करेंगे, ओके, इसी तरीके से, ओके। मेक श्योर सभी जगह से लग जाना चाहिए। एंड कोशिश कीजिए कि इसकी जो साइड वाले कोने हैं वहाँ तक अपनी स्पून अच्छे से चले जाए। आपको यदि डालने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप पाइपिंग बेग का भी यूज़ कर सकते हो। ऐसे हम बहुत सारी रेसिपी अपने YouTube चैनल पे बता रखे हैं, तो आप ज़रूर फॉलो कीजिए YouTube रॉयल केक, ओके। Instagram पे हमारे शॉर्ट्स आते हैं, रील्स आते हैं YouTube पे, तो वहाँ फॉलो कर सकते हो। और भी डिटेल में रेसिपी सीखनी है तो Facebook रॉयल केक पे आप फॉलो कर सकते हो, ओके। ये देखिए भी आपको क्या करना है, आपको लेना है एक ट्रे एंड इसको इसके ऊपर रखना है और इसे करना है अच्छे से। जितना अच्छे से करोगे उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, ओके। आप देख सकते हो हमारा चॉकलेट बिल्कुल भी बाहर नहीं निकला, एकदम परफेक्ट बना है। तो कितना आपको लेना है, यदि आप 1 बड़ा टेबल स्पून ले रहे हो डार्क, उससे हाफ लो वाइट चॉकलेट एंड फिर 5 बार आप लो मिल्क चॉकलेट, तो इससे परफेक्ट आपका 1 ग्राम बन जाएगा। ये जो ग्राम है वो आपका करीबन 40 से 50 ग्राम्स जितना बनेगा, ओके, 50 से थोड़ा सा अबव ही होगा। एंड इसे अब मैं फ्रिज में सेट कर रही हूँ 10 मिनट के लिए, ओके। लीजिए फ्रेंड्स बन गई हमारी चॉकलेट, आपने देखा यहाँ पे ड्रॉप जो है पानी के, है ना, स्वेटिंग बिल्कुल नहीं आई है। अब ये जो चॉकलेट्स है ना ये काफ़ी अर्न कर सकते हो, और मैं आपको बता देती हूँ परफेक्ट आपको डेरी मिल्क वाला टेक्सचर तो नहीं मिलेगा, बिकॉज ये कंपाउंड है डेरी मिल्क प्योर चॉकलेट से होती है। यदि आपको प्योर चॉकलेट को टैम्परिंग करना आता है यही रेसिपी फॉलो कर सकते हो, एग्जैक्ट रिजल्ट मिलेगा, ओके। तो अभी हम इसे डिमोल्ड करते हैं,
जब भी आप सिलिकॉन मोल्ड को डिमोल्ड कर रहे हो ना, तो आपको जब आप डिमोल्ड कर रहे हो ना, आपको यदि गर्मी लग रही है ना, तो डिमोल्ड करते करते ये चॉकलेट को भी गर्मी लगेगी, हो सकता है ये टूट जाए। ओके, तो धीरे धीरे आपको रिमूव करना है। और ये देखा, ये मेरा कितना पुराना मोल्ड था, मैं आपको मैजिक दिखाती हूँ। और ये जो पुराने सिलिकॉन मोल्ड को कैसे नए बनाते हो ना, तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दिया है, जाके चेक कर लीजिए, है ना। ओके, थोड़ा सा जो है हम इस तरीके से निकाल देते हैं। ये देखिए कितना पुराना मोल्ड था, आई थिंक अभी आप देख रहे हो मेरे बनने के बाद, तो ये और नया हो गया है। कितना आपको ये हैक बताया मैंने, मतलब आपको हिडन टिप्स दिया है कि इतना सुंदर कैसे हो सकता है। ऐसे लग रहा है ना जैसे कि नया मोल्ड है ना। और ये देखिए हमारी डेरी मिल्क। ओके, डेरी मिल्क ऐसी ही अच्छी लगती है, इस पर हम कुछ नहीं करेंगे। ओके, एंड जितना जल्दी हो सके आप ग्लोव्स पहन लीजिए और इसे तुरंत पैकिंग कर लीजिए। ओके, तो इसे जो है हम तुरंत पैकिंग करते हैं। ओके, तो मुझे ये वाला पार्ट जो है वो यहाँ दिखाना ताकि मेरी चॉकलेट मेल्ट ना हो, एंड ये मैंने दिखाया और तुरंत मैंने इसको पैक कर दिया। अब इसे बाहर ही रहने दीजिए, आपकी चॉकलेट ख़राब नहीं होगी यदि आपने इसे परफेक्ट बनते ही पैकिंग कर दी है। तो ये देखिए